दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लाहौर के गरीब लड़के की। ये कैसे अमीर बना और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अरसलान सिद्दीकी इस वक्त दुनिया भर की गेमिंग कम्युनिटी में अरसलान एश के नाम से मशहूर है। ये वो वाहद ई स्पोर्ट प्लेयर है जो इस वक्त मशहूर फाइटिंग वीडियो गेम टेकन में बेकवा जापान और अमेरिका का चैंपियन है। मगर लाहौर के छोटे से इलाके बागबानपुरा के रहायशी अरसलान को कुछ साल पहले कोई भी नहीं जानता था। तो फिर अरसलान इतना मशहूर कैसे हुआ? अरसलान का शौक, लगन और फिर कुछ कर दिखाने का मौका मिल जाना। दोस्तों टेकन सेवन एक मशहूर वीडियो फाइटिंग गेम है जिसके मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से हजारों प्लेयर्स कई सालों तक ट्रेनिंग करते हैं और इन गेमिंग मुकाबलों को अब तक जैपनीज और कोरियन प्लेयर्स ही जीतते आए हैं। दोस्तों ये गेम बहुत फेमस है, इस बात का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के शहर लास वेगास में होने वाले इवो लास वेगास नामी मुकाबलों के फाइनल में अरसलान ने तमाम मशहूर चैंपियंस को हराया और इस मुकाबले को देखने के लिए 2.5 लाख के करीब लोग लाइव मौजूद थे, जबकि इसके अलावा भी लाखों लोगों ने इस इवेंट को टीवी और इंटरनेट पर लाइव देखा। इससे पहले ई-स्पोर्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट की दुनिया में पाकिस्तान को कोई नहीं जानता था। अरसलान बचपन से ही वीडियो गेम्स खेलने का शौकीन था। अरसलान का कहना था कि इन वीडियो गेम्स पर टाइम जाया करने की वजह से इसको अपनी मदर से मार भी खाना पड़ती थी, मगर अरसलान फिर भी अपने शौक को प्रैक्टिस करता रहा और अरसलान जल्द ही टेकन गेम का एक मशहूर खिलाड़ी बन गया। मगर अरसलान स्पोर्ट्स लाइव में तब आया जब वो इसी गेम के दुबई में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा ले रहा था। अगरचे अरसलान इन मुकाबलों में 9वें नंबर पर है, मगर अरसलान ने उस वक्त के टेकन चैंपियन जेमिन नी को बुरी तरह शिकस्त दी थी और नी को इन मुकाबलों में 6-0 से मात दी। मगर सबको फिर भी ये लगा कि महज यह एक इत्तेफाक था। अरसलान के टैलेंट को देखते हुए इसे V/ नामी एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टीम ने अगले इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए स्पॉन्सर कर दिया। फरवरी 2019 में जापान के शहर फुकुओका में इस गेम यानी टेकन का एक मेगा कंपटीशन होने जा रहा था जिसके लिए दुनिया भर से बेस्ट टेकन प्लेयर जापान पहुंच चुके थे। इससे पहले पाकिस्तान से कोई भी खिलाड़ी मुकाबलों में नहीं जा सका था। दोस्तों अरसलान को जापान के वीजा और टिकट के असूल में बेतहा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कई बार अरसलान की फ्लैट्स डिले हुई और एक पाकिस्तानी होने की वजह से इसे जापान की डायरेक्ट फ्लैट भी ना मिल सकी। और दूसरी अफसोसनाक बात यह कि अरसलान जो पैसे अपने साथ लाया था वो खत्म हो चुके थे। अरसलान 3 दिन तक एयरपोर्ट पर भूखा और नींद से बाहर भटकता रहा। अरसलान का कहना था कि एक बार तो मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुका था और वापस लाहौर जाना चाहता था, मगर इसकी टीम के खिलाड़ी इसको मुसलसल हौसला देते रहे। 3 दिन से भूखा और जागा हुआ अरसलान सीधा इवो जापान के मेगा टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा पहुंचा और अरसलान को आराम करने तक का मौका ना मिला। अरसलान को पूरा यकीन था कि वो इस कंडीशन में एक भी मुकाबला नहीं जीत सकेगा, मगर इसके बाद जो कुछ हुआ फिर पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था। अरसलान एक्स चैंपियन नी समेत एक के बाद एक कोरियन और जैपनीज खिलाड़ियों को हराता गया। अरसलान ने फलपायर के चैंपियन एके नामी खिलाड़ी को भी 3-0 से शिकस्त दी और ना सिर्फ अरसलान इवो जापान का वर्ल्ड चैंपियन बना बल्कि दुनिया भर की नजरें अब इस पाकिस्तानी प्लेयर्स पर थी, क्योंकि अरसलान इससे पहले पाकिस्तान में होने वाले मुकाबलों में 16वें नंबर पर आया था। इस मुकाबले के जीतने के बाद जापान की गवर्नमेंट ने अरसलान को कुछ दिन जापान में रुकने की रिक्वेस्ट की ताकि जापानी खिलाड़ी अरसलान से ट्रेनिंग ले सके। अरसलान बेस्ट टेकन प्लेयर इन द वर्ल्ड का टाइटल जीतकर सरदारिस हो गया। ये मूवमेंट शायद पाकिस्तान के लिए 2019 का बेस्ट मूवमेंट था। अरसलान के जज्बे और टैलेंट को देखते हुए एक्स चैंपियन नी स्मिथ कई इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने की ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का गुजार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।